वालेकुम अस्सलाम वरहमत अल्लाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब खुराफात है। मगर के बाद झाड़ू दें, से पहले दें, दिन में किसी वक्त भी काम करें। अब जाहिर बात है कि मगरब के बाद अंधेरे में करेंगे। जिस ज़माने में कभी बुज़ुर्ग हजरात ही कह दिया करते थे, तो उनकी की नीयत और मंशा उसमें ये होती थी कि अंधेरा होगा, लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं होती, लालटेन जलाएंगे और उसमें काम करना पड़ेगा। पूरे घर में इस तरह रोशनी नहीं होगी, तो अंधेरे में कहीं झाड़ू देते हुए पता चला कि जनाब कहीं सांप छुपा बैठा था, झाड़ू की वजह से उसने आप पर हमला किया और नुकसान हो गया। तो वो एक मशवरा होता था कि इससे बचो, रात के अंधेरे में करोगे तो नज़र नहीं आएगा, मसाइल हो सकते हैं, तो एहतियाती तदबीर के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी कोई शरई हैसियत हो कि ऐसा ना करें तो गुनाह होगा या करें तो सवाब होगा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उस ज़माने में जब रोशनी वगैरह का इस तरह इंतज़ाम नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह है। तो आज भी अगर कहीं ना हो गांव वगैरह में और अंधेरे में ख़तरा होता हो तो ऐसा ना करें। कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि मगरिब के बाद झाड़ू ही दिया जाए, ये काम तो दिन में कर लेना चाहिए, मजबूरी ही में शाम में काम छोड़ने चाहिए, सुबह सुबह करके फ़ायदे हो जाए, ताकि जब घर में शोहर आए, बच्चे आए काम वाम से, तो वो देखेंगे भी घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा, दिल उनका भी खुश हो, कुछ उनसे बातचीत करने का मौका मिले। वरना औरतें घर में अपने कामों में ही लगी रहें तो शोहरों के पास बैठने का कब उनको टाइम मिले।